हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, फाइनली मेरे एंगेजमेंट का रॉ वीडियोस मेरे पास आ गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। वैसे इसको एडिट करने में मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये छोटे 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 क्लिप को ढूंढ ढूंढ के ऐड करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन आप सबके लिए मैंने ये भी कर लिया। तो फिर चलिए देखते हैं एंड एन्जॉय करते हैं हमारे एंगेजमेंट का वीडियो। तो जैसे कि आप सबको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पर पूजा चल रहा है, ये एंगेजमेंट का पूजा था। दोनों लड़की वाले एंड लड़के वाले मंदिर में जाते हैं, पूजा का थाल एक्सचेंज करते हैं और वहाँ पे ही संपन्न हो जाता है एंगेजमेंट का फर्स्ट विधि। तो जो स्काई कलर के कुर्ते में बैठे हैं वो है मेरे मामा जी, और जो मरून वाले हैं वो है मेरे हस्बैंड के मामा जी। तो दोनों हमारे लिए पूजा कर रहे हैं, और हमारा जो एंगेजमेंट का पूजा था ये भुवनेश्वर का ही एक जगन्नाथ टेम्पल में किया गया था। सो मंदिर का पूजा संपन्न होने के बाद फिर सब लोग आ गए थे यहाँ हॉल में, जहाँ पे हमने अपना रिंग सेरेमनी का सेटअप किया हुआ था। तो ये बाहर का एंट्रेंस था, जिस तरह से हमने बोला था डेकोरेशंस के लिए एकदम वैसे ही बना था। और इस हॉल का नाम था AS लागून, और आपको इसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसको भी चाहिए आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हो। एंड ये था अंदर का डेकोरेशन, एंड बहुत ही सुंदर से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था और ये सबको बहुत पसंद आया। ये सब कुछ जी मार्ट इवेंट्स का है, अगर आप यहाँ पे जाके अपना कुछ स्पेशल डेज़ को सेलिब्रेट करना चाहते हो तो ज़रूर जाइए। इनका सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सब भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको हमारा एंगेजमेंट का डेकोरेशन कैसा लगा। तो डेकोरेशन तो आप सब ने देख लिया, अभी थोड़ा हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारा एंट्री हो रहा है गाइस। और दोनों तरफ थे हमारे रिलेटिव्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो हम लोगों को चेयर अप कर रहे थे, सबका ब्लेसिंग्स था हमारे साथ। एंड स्टेज के ऊपर आने के बाद फिर सब लोग आने लगे, फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये सब लेना स्टार्ट हो गया। ये थे मेरे मामा जी जो पूजा कर रहे थे, आप सबने वीडियो में देखा। तो पूजा वाला चावल और फूल लाके हमारे सर पे डाल रहे थे, भगवान जी का आशीर्वाद होना भी ज़रूरी है, जो हमारे लिए पूजा हुआ था उसका ब्लेसिंग्स तो लेना ही है। एंड गाइज, हम दोनों कैसे लग रहे थे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक करना ज़रूर, अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि आप लोग भी अपने एंगेजमेंट को कुछ अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सको। और यहाँ पर थे मेरे मामा मामी, मेरी मम्मी, मेरी मासी, मेरे भाई बहन, जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं इन सब से। और ये है मेरे मम्मी पापा। देन यहाँ पे थे मेरे चाचा चाची, इन लोगों को आपने पहले भी देखा है वीडियो में। और यहाँ पे मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ भी थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, ताकि आप लोग देख सको कि सब लोग कितना खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, सारे फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबको ही आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा उस दिन, एंड ये स्टार्टर चल रहा था तभी, तो सब लोग आराम से अपना स्टार्टर इन्जॉय कर रहे थे। यहाँ पे मेरे इन लॉज फैमिली थे, मुझे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मिल रही थी सबसे। देन यहाँ पे हैं मेरे चट्टे बट्टे, ये मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनको मैंने बुलाया था, 10-12 साल से हम लोग फ्रेंड्स हैं। इन सब के बाद अभी बारी है मेरे सारे भाइयों का, जिनके बिना ये फंक्शन ही अधूरा था। दिन फिर एक के बाद एक सब लोग आने लगे, फ़ोटोज़ वीडियोज़ चलता रहा, जैसे कि सारे फंक्शंस में होते हैं, भाई भाभी चाचा चाची, और फिर यहाँ पे मेरे सिस्टर्स, सब लोग आके फ़ोटोज़ लेने लगे और फंक्शन आगे बढ़ता चला।
दिन पहुंच गई हमारी लिपि, मेरी बुआ की बेटी है। इसका शादी का वीडियो भी आप लोगों ने मेरे चैनल पे देखा होगा। और ये आने के बाद ना फंक्शन में एक अलग तरह का रौनक छा गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मस्तीखोर हमारे कजन्स के बीच यही है। ये सारे मेरे भाई बहन हैं जिनका अलग ही मजाक मस्ती चल रहा था उस दिन। और ये जो मरून वाली ड्रेस में है, ये मेरी मामा जी की बेटी है, बहुत अच्छी एंड बहुत प्यारी है। ये मेरी एक सिस्टर इन लॉ है जो कि अपने बेटे को खाना खिला रही थी। एंड यहाँ पे लंच का टाइम स्टार्ट हो गया था, तो सब लोग लंच इन्जॉय करने लगे। और गाइस, खाना भी AS लागू ने ही अरेंज किया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड अच्छा खाना बना था। ये है मेरी बड़ी बुआ और ये है मेरे मासी एंड मौसा जी और पीछे हैं मेरे मामा जी। एंड ये है मेरे देवर जी। सो फाइनली रिंग सेरेमनी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होने वाला था, तो इसका वीडियो मुझे नहीं मिला। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे फोटो लगा दिया है ताकि आप लोग देख सको कि किस तरह से प्लेट को डेकोरेट किया हुआ था, बस थोड़ा सा ही फ्लावर के साथ। एंड ये था हमारे एंगेजमेंट का सबसे प्रीसियस मोमेंट। एंड गाइज, यहाँ पे भी मैंने नी डाउन किया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाई शुड गर्ल्स हैव ऑल द फन, सो बॉयज़ को भी थोड़ा बहुत फन अपने लाइफ में मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। स्टेज के ऊपर हमारे साथ हमारे पेरेंट्स थे और नीचे मेरे सारे रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और मेरे सारे भाई बहन थे, जिन्होंने इस माहौल को ही बदल दिया, एकदम से जज्बात ही बदल दिए। इमोशनल मोमेंट को इन्होंने कॉमिक सीन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मस्ती मजाक चल रहा था। देन केक कटिंग का टाइम आ गया था और ये था हमारा केक जो कि हमने गोकुल से ऑर्डर किया था। बहुत ही अच्छा केक मिल जाता है गोकुल में गाइज़। अगर आप लोग चाहते हो किसी फंक्शन में केक ऑर्डर करने के लिए, तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगी गोकुल से ही ऑर्डर करना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है प्राइस के हिसाब से उनका केक। तो फिर चलिए देखते हैं कि हमारा केक कटिंग कैसे हुआ, क्योंकि बहुत ही एक हटके तरीके से हमने किया था। सो केक कैसा लगा वो भी मुझे बताना ज़रूर। फाइनली हम लोग यहाँ पे केक कटिंग कर रहे हैं और बहुत खुश थे सब लोग, चारों तरफ एकदम खुशियाँ ही खुशियाँ था। सो केक कटिंग के बाद सबको यहाँ पे केक खिलाना भी हो गया, सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे एंड सबको केक बहुत पसंद भी आया। सो इतने खुशी के बाद एक मायूस सा सीन यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि मेरा भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था, उसके साथ साथ उसने मुझे भी इमोशनल कर दिया था, तो थोड़ा रोना धोना ऐसे चलने लगा कुछ देर के लिए। देन उसके बाद सब लोग फिर से हंसने लगे और फोटोज़ वीडियोज़ लेने लगे, सारे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स आके, और माहौल बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा, इन्जॉय किया, सबका ब्लेसिंग भी हमारे साथ था। Thank you.
दिन यहाँ पे साली और जीजा के बीच कुछ कुछ मस्ती मजाक चल रहा था और कुछ इस तरह सा था हमारा एंगेजमेंट का सेरेमनी। कैसा लगा कमेंट में बताना एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, बहुत सारा प्यार देना, सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करना इस वीडियो को। बाय बाय।